नमस्कार बच्चों, आप मुझे दादी कह सकते हो, नानी कह सकते हो। हमेशा आप जो कथा सुनते हैं या स्टोरी सुनते हैं वो होती है, आपको बहुत हंसाती है और खुशी देती है। लेकिन आज जो मैं कहानी मैंने खुद नहीं लिखी है वो, लेकिन वो जो कहानी मैं आज बताने वाली हूँ ना, तो आप सोचोगे, सोचने को मजबूर हो जाओगे। और अगर इसमें से 1% भी आपने जाना, समझा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस किया, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। बच्चों की स्टोरी है लेकिन सुनना है आपको बड़ों की तरफ। चलो फिर शुरू करते हैं। सोनू स्कूल से घर आया। जैसे ही आया उसने शूज एक जगह फेंक दिए, स्कूल बैग दूसरी जगह फेंक दी, शर्ट यूनिफॉर्म निकाल के तीसरी जगह फेंक दिया और ऐसे गुस्से में ही बाथरूम में गया, पानी छोड़ा, हाथ मुंह पैर धोया, नल वैसे ही चालू रखा, पानी बह रहा था। मम्मी ने अंदर से आवाज़ दी, सोनू दरवाज़ा वो पानी बंद कर दे, वेस्ट मत कर पानी। तो वो बोलता है, मम्मी तेरे को चाहिए तो तू कर, मैं नहीं करूँगा। लेकिन मम्मी को वो पानी की बहुत अहमियत मालूम थी, वो दौड़ दौड़ के जाके नल बंद किया, फिर जोर से चिल्लाया, मम्मी खाना दे दो। मम्मी ने दाल चावल सब्जी रोटी सब उसके सामने रख दी। ये क्या है, ये क्या खाना है, वो बोला। मम्मी बोली, मतलब सब लोग तो यही खाते हैं, स्वीट किधर है, गाजर का हलवा या कोई अच्छा सा सूजी का हलवा, ऐसे कुछ क्यों नहीं है। बोले, आज तो कोई त्यौहार नहीं है, आज तो किसी का बर्थडे भी नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊँ ऐसे रोज़ स्वीट छोड़ थोड़ी खाते हैं, कभी कभार कोई अच्छे मौके के समय, त्यौहार के समय हम लोग स्वीट बनाते हैं। वो मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कुछ स्वीट देना ही पड़ेगा आपको। और ऐसे करके उसने वो दो रोटी उठाई और बाहर जाके फेंक दी। उसने जैसे ही फेंकी, उधर ही बाजू से एक गरीब लड़का उसी के एज का उम्र का जा रहा था, उसने फटाक से वो रोटी उठाई, भूखा था बेचारा। उसने देखा और वो ऐसे लेके खा ही रहा था, देखा दूर से उस रोटी की चाहत में एक बुढ़ी भिखारिन दौड़ दौड़ के लंगड़ लंगड़ के उधर ही आ रही थी, और एक कुत्ता वहाँ से वही रोटी के आशा में दौड़ दौड़ के आ रहा था। अभी ये लड़का खुद इतना भूखेला था, 2 दिन से अच्छी तरह से खाना नहीं मिला था, तो उसने क्या करना एक्चुअली चाहिए था। वो एज के बच्चे क्या करते हैं, आप लोग के एज के बच्चे क्या करते हैं, फटाफट खा लेते, भूख लगी मैं तो खाऊंगा या तो मैं तो खाऊंगी। लेकिन वो लड़के ने, गरीबी ने उसको इतना अच्छा सिखाया या एक एहसास दिलाया कि पेट की भूख, पेट की आग क्या होती है। उसने उसमें से थोड़ा हिस्सा वो बूढ़ी भिखारिन को दिया, थोड़ा हिस्सा कुत्ते को दिया और थोड़ा जो बचा कुचा था वो सूखी रोटी उसने खा। ये सोनू वहाँ से देख रहा था। उसके बाद नीचे पड़ी हुई एकदम मैली वैली ऐसे पानी की बोतल थी, वो दौड़ दौड़ के गया, नलका था सार्वजनिक, वहाँ से पानी लिया, अच्छी तरह से बोतल दी, पहले दादी को दिया फिर खुद ने पिया, दादी मतलब वो भिखारी, और खुद ने पिया और बाद में उस कुत्ते को भी ऐसे मुंह करके पानी पिलाया। सोनू देखता ही रह गया। उसके ने देखा तो पीछे माँ खड़ी थी, तो माँ उसे बोली, देखा उस बेचारे को पेट में भूख नहीं है, भूख है, पेट में भूख की आग दौड़ रही है, फिर भी उसने खुद का विचार नहीं किया, पहले उस गरीब औरत भिखारिन को दिया, उसके बाद कुत्ते को दिया, फिर खुद ने खाया। अगर ये ऐसे कर सकता है, भगवान ने हमारे ऊपर ने मेहरबानी की है कि हमें 2 समय पेट भर खाना मिलता है, और तू इस तरह से कर रहा है, फेंक रहा है रोटी, ये तेरे मन को पूछ, ये बराबर है, ये ठीक कर रहा है तू? तो उसकी आंखों से पानी आया।
उसने सोचा कि ये मैंने बहुत गलत किया, आज मुझे इतनी मेहनत से मम्मी जो खाना बनाती है वो खाने को मैं मतलब लात मार रहा था, उसको माँ को गाली दे रहा था, लेकिन ये तो इतना सा बेचारा छोटा मेरे ही एज का होके, मेरी उम्र का होके उस वो इस तरह से सबके बारे में सोचता है, तो मैं क्यों ना सोचूं। और वो माँ बोली पानी भी इस तरह से खुला नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ दो दो तीन तीन मील जाके वहाँ से पानी मिलता है, और तू भी घर में है पानी करके नल का छुट्टा छोड़ के आया, खुला छोड़ के आया। तो ये सभी उसको बहुत फील हुआ उस सोनू को, और उसने बोला माँ आज से के बाद मैं तू जो दो खाने को दोगी वही खाऊंगा, पानी वेस्ट नहीं करूंगा, और ये तो छोड़ो मैं तो ये सब करने ही वाला हूँ, लेकिन आज से मैं मम्मी तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे फ्रेंड से मेरे आजू बाजू में मैं मेक श्योर करूँगा कि वो भी इस तरह से ही विचार करे। अगर हम ही हमारा गांव का हमारा देश का विचार नहीं करेंगे तो प्रगति कैसे होगी, उन्नति कैसे होगी, और हम सब सुखी रहेंगे। अगर ये मेरा उद्देश्य है तो मुझे ये सब संभालना पड़ेगा और मुझे वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से बोल के मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा और माँ और बेटा हंस के अंदर चले गए। बच्चों कैसी लगी मेरी कथा, अच्छी है ना? आपको अच्छी लगी ना? आपने भी सोचना चाहिए, आप घर आके क्या करते हो, पानी का किस तरह से इस्तेमाल करते हो, खाना किस तरह से खाते हो, ज़रूर सोचना और खुद उसका इम्प्लीमेंट करना, वो उसका खुद के जीवन में प्रयोग करना, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये ज़रूर बताना कि किस तरह से हमें अन्न का बचाव पानी का बचाव करना चाहिए। कैसी लगी स्टोरी, थोड़ी सीरियस है लेकिन अच्छी लगी ना, ज़रूर मुझे बताना। ओके चलो, ऑल द बेस्ट।